हेलो एवरीवन वेलकम टू रवि अदिति क्लासेस फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ज्योग्राफी का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक टॉपिक का नाम है मेजर पासिस ऑफ इंडिया यानी कि भारत के प्रमुख दर्रे तो फ्रेंड्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है वन और टू क्वेश्चन डेफिनेटली देखे जाते हैं इस टॉपिक से तो इस वीडियो में हम कम्प्लीट इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करेंगे इस टॉपिक का पूरे वीडियो के एंड तक फ्रेंड्स बने रहिएगा मैंने यहाँ आप पे आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और मोस्ट इंपॉर्टेंट लिए हैं अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ये वीडियो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है तो फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे डिस्कस करते हैं पहले कि पास होते क्या हैं फिर आगे हम डिस्कस करेंगे स्टेट वाइज जो पासिस होते हैं उनको हर स्टेट वाइज हम यहाँ पे पासिस को डिस्कस करेंगे और फिर हम आगे एम सी क्यूज को सॉल्व करेंगे ओके तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और फ्रेंड्स डिस्कस करते हैं कि पास होते क्या हैं देखिए द पास द नेचुरल रूट्स ऑफ ट्रांसपोर्ट फाउंड इन हिल्स एंड माउंटेन एरिया आर कॉल्ड पासिस तो माउंटेंस में और हिल्स में जो नेचुरल रूट होता है ट्रांसपोर्ट के लिए उन्हें पास कहा जाता है इसका फॉर्मेशन कैसे होता है इसकी बात करें देखिए पास मीन्स द स्पेस बिटवीन टू माउंटेंस ठीक है ये स्पेस होता है बिटवीन टू माउंटेंस आगे मैं आपको पिक्चर दिखाती हूँ विच इज़ बरीड डाउनवर्ड्स दिस स्ट्रक्चर इज मोस्टली फॉर्म ड्यू टू द रिवर फ्लोइंग फ्रॉम द माउंटेंस अपार्ट फ्रॉम दिस अर्थक्वेक वोल्केनोज ग्राउंड शिफ्ट मिट्योर फॉल्स आर ऑल्सो सम ऑफ द रीजन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पासिस तो यहाँ पे फ्रेंड्स इसका जो फॉर्मेशन है ये किस वजह से होता है मेजरली ये फॉर्म होते हैं जो रिवर फ्लो होता है उसके वजह से इसके अलावा अर्थकेक वॉलकैनो ग्राउंड शिफ्ट और मेट्योर फॉल्स भी इसके रीज़न है इसके फॉर्मेशन के तो अब यहाँ पे पिक्चर देखिए फ्रेंड्स ये कुछ पास है आप देख सकते हैं ये इस तरीके से यहाँ पे इसका फॉर्मेशन हुआ है ओके नेक्स्ट पॉइंट देखिए पास ऑलवेज प्ले अ वाइटल रोल इन ट्रेड वारफेयर एंड ह्यूमन एंड एनिमल माइग्रेशन पास इज ऑफन फाउंड जस्ट अबाउट द सोर्स ऑफ द रिवर तो यहाँ पे फ्रेंड्स दर्रे जो होते हैं ये व्यापार युद्ध और मानव और पशु प्रवास में अहम भूमिका निभाते हैं दर्रे अक्सर नदी के स्रोत के ठीक ऊपर पाए जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट द लार्जेस्ट पास इन इंडिया इज द काराकोरम पास तो जो लार्जेस्ट पास है भारत का सबसे बड़ा दर्रा जो है ये फ्रेंड्स काराकोरम दर्रा कहाँ पे है आगे हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पॉइंट देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ फैक्ट्स डिस्कस कर लेते हैं द उमलिंगला पास इन ईस्टर्न लद्दाख हैज़ बिकम द वर्ल्ड्स हाईएस्ट मोटरेबल पास तो अगर आपसे पूछा जाए कि वर्ल्ड का हाइएस्ट मोटरेबल पास कौन सा है तो ये है फ्रेंड्स उमलिंगला पास कहाँ पे लोकेटेड है ईस्टर्न लद्दाख में ये लोकेटेड है नेक्स्ट पॉइंट जोजिला पास कनेक्ट्स ले टू श्रीनगर एंड इज ऑल्सो नोन एज द माउंटेन पास ऑफ़ ब्लिजर्ड्स तो यहाँ पे अगर पूछा जाए फ्रेंड्स कौन से पास को माउंटेन पास ऑफ़ ब्लिजर्ड्स कहा जाता है तो ये जोजिला पास को कहा जाता है और ये किसे कनेक्ट कर रहा है ये ले को श्रीनगर से कनेक्ट कर रहा है राइट right? आपका अगला पॉइंट देखिए फ्रेंड्स द डूंगरी ला या फिर माना पास कनेक्ट इंडिया एंड टिबेट इट इज लोकेटेड इन द नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ़ द जंस्कर माउंटेन रेंज तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स माना पास या फिर जिसे डूंगरी ला पास के नाम से भी जाना जाता है ये किसे किसे कनेक्ट कर रहा है इंडिया को टिबेट से कनेक्ट करता है ये पास और ये नंदा देवी बायोस्फियर रिजर्व में लोकेटेड है जंस्कर माउंटेन रेंज में अगला पॉइंट द लार्जेस्ट पास पास इन द वेस्टर्न घाट्स इज इन पालाघाट जो कि है पाल घाट इन केरला एडजस्ट टू तमिलनाडु तो यहाँ पे फ्रेंड्स लार्जेस्ट पास अगर आपसे वेस्टर्न घाट का पूछा जाए तो ये है फ्रेंड्स पाल घाट जो कि केरला में लोकेटेड है एडजन टू तमिलनाडु तो ये हो गया फ्रेंड्स कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट पासिस आई होप आपको सारे पॉइंट्स क्लियर है आगे बढ़ेंगे और स्टेट वाइज यहाँ पे सारे जितने भी पासिस हैं ना उनको डिस्कस कर लेते हैं देखिए सबसे पहले डिस्कस करेंगे जम्मू कश्मीर के बारे में तो जम्मू कश्मीर में है फ्रेंड्स बुरजिल पास पीर पंजल पास बनिहाल पास और जोजिला पास नेक्स्ट देखिए लद्दाख लद्दाख की बात करें तो यहाँ पे काराकोरम पास ये हमने डिस्कस किया था अभी काराकोरम पास राइट खरदोंगला पास जोजिला पास चांगला पास नेक्स्ट है यहाँ पे थांगला पास ला पास अघिल पास और फोटूला पास तो ये सारे जो है लद्दाख में हैं और भी ये देखिए ग्योंगला पास इमिसला पास लानक ला पास नामिका ला पास पेंसिला पास सेजार ला पास और शिंगोला पास जिसे जंसकर पास नाम से भी जाना जाता है तो यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट अगर मैं आपको बता दूँ तो देखिए काराकुरम जोजिला खरदोंगला ये मोस्टली एग्ज़ाम में आते हैं ठीक है अघिल पास पेंसिला फिर इसके अलावा इमेसला तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स राइट चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट स्टेट की बात करें तो यहाँ पे नेक्स्ट आता है महाराष्ट्र तो महाराष्ट्र में दो हैं थालघाट पास और भोरघाट पास नेक्स्ट बात करें हिमाचल प्रदेश की तो हिमाचल प्रदेश में है फ्रेंड्स शिपकीला पास देवसा पास रोहतांग पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बारालाचाला पास लामखागा पास चांसाल पास कुंजम पास और इंद्रहार पास तो ये सारे हिमाचल प्रदेश के पासेज हैं नेक्स्ट बात करेंगे उत्तराखंड की तो उत्तराखंड में देखिए लिपू लेक पास माना पास नीति पास वेरी इंपॉर्टेंट कालिंदी पास सिन्ला पास नामा पास मुलिंगला पास और मयाली पास तो ये उत्तराखंड के सारे पासेज हो गए नेक्स्ट बढ़ते हैं फ्रेंड्स आगे और देखिए नॉर्थ ईस्ट रीजन की बात की तो यहाँ पे सिक्किम देखिए नाथुला पास जेलेपला पास गोयचाला पास दोंखला पास या फिर दोमकिया पास तो ये सारे पासिस सिक्किम में पाए जाते हैं आगे बढ़ के देखिए डिस्कस करते हैं अरुणाचल प्रदेश की तो अरुणाचल प्रदेश में है फ्रेंड्स योंग्याप पास बोमडिला पास वेरी इंपॉर्टेंट दिफू पास पैंगसाव पास दिहांग पास पुनगान पास सेला पास अगेन वेरी इंपॉर्टेंट नेक्स्ट है खुमजांग पास और चौकन पास नेक्स्ट यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स राजस्थान तो राजस्थान में तीन पासेज हैं कौन कौन से देख लीजिए हल्दीघाटी पास सांबर पास और गोरम घाट पास तो ये हो गया फ्रेंड्स स्टेट वाइज़ सारे पासिस आई होप आपको ये पॉइंट्स सारे क्लियर हैं इनको ज़रूर नोट no डाउन कर लीजिएगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाले हैं तो फ्रेंड्स अगर अभी तक हमने पूरा वीडियो अच्छे से देख लिया है ना अब एमसीक्यू क्वेश्चंस आप काफ़ी इजीली आंसर कर पाएंगे ठीक है तो जितने भी क्वेश्चंस है आपको बताना है फ्रेंड्स इनमें से आपके कितने क्वेश्चंस राइट हुए हैं ओके चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को पहला क्वेश्चन है वेयर इज रोहतांग पास लोकेटेड तो रोहतांग पास ये कहाँ पर है ये लोकेटेड है फ्रेंड्स हिमाचल प्रदेश में राइट right आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका अगला क्वेश्चन वेयर इज नाथुला पास लोकेटेड तो नाथुला दर्रा कहाँ पर स्थित है ये है फ्रेंड्स सिक्किम में करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका अगला क्वेश्चन वेयर इज नीति पास लोकेटेड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डबल स्टार करिएगा नीति दर्रा कहाँ पर स्थित है ये है फ्रेंड्स उत्तराखंड में आपका अगला क्वेश्चन वेयर इज थालघाट पास लोकेटेड तो थाल घाट दर्रा ये कहाँ पर है ये है फ्रेंड्स महाराष्ट्र में राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आगे बढ़ते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कनेक्ट्स लहासा तिब्बत विथ लद्दाख तो निम्नलिखित में से कौन लहासा तिब्बत को लद्दाख से जोड़ता है तो यहाँ पे तिब्बत को फ्रेंड्स लद्दाख से जो जोड़ता है ये है लानक ला पास करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए आपका अगला क्वेश्चन इन विच ऑफ़ द फॉलोइंग हिमालयन रेंजेस इज बनिहाल पास लोकेटेड तो निम्नलिखित में से किस हिमालय पर्वतमाला में बनिहाल दर्रा स्थित है तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी पीर पंजल पास पीर पंजल रेंज ठीक है पीर पंजल रेंज में ये बनिहाल पास पाया जाता है अगला क्वेश्चन बनिहाल यानी कि जवाहर टनल इसे कहते हैं कम्स अंडर विच ऑफ़ द फॉलोइंग डिवीजन ऑफ हिमालय तो हिमालय के जो डिविजन्स है फ्रेंड्स इसमें से जो बनिहाल पास है ये किस में आता है तो ये आता है अंडर लेसर हिमालयाज ठीक है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका अगला क्वेश्चन विच ऑफ़ द फॉलोइंग पास इज कनेक्ट्स जम्मू वैली विद कश्मीर वैली तो जम्मू को कश्मीर से कौन सा पास कनेक्ट कर रहा है तो इन दोनों को कनेक्ट करता है फ्रेंड्स बनिहाल पास वेरी इंपॉर्टेंट इसको भी डबल स्टार कर लीजिए आगे बढ़ते हैं वेयर डज चिनाब रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम चिनाब नदी कहाँ से निकलती है ये निकलती है फ्रेंड्स बारा लाचाला पास से आपका अगला क्वेश्चन रहेगा द बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन हैज़ कंस्ट्रक्टेड द वर्ल्ड्स हाईएस्ट मोटरेबल रोड एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 19,300 फीट एट विच पास इन ईस्टर्न लद्दाख तो यहाँ पे देखिए सीमा सड़क संगठन ने पूर्वी लद्दाख में किस दर्रे पर 19,300 फीट की ऊंचाई पर दुनिया की सबसे ऊंची मोटर वाहन चलाने योग्य सड़क का निर्माण किया है राइट right आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स उमलिंगला पास आपका अगला क्वेश्चन विच पास कनेक्ट्स अरुणाचल प्रदेश टू म्यांमार तो यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है ये है फ्रेंड्स दिहांग पास अगला क्वेश्चन वेयर इज बनिहाल पास लोकेटेड बनिहाल पास जो है फ्रेंड्स ये लोकेटेड है जम्मू कश्मीर में आगे बढ़ेंगे वेयर इज़ बोमडीला पास लोकेटेड तो बोमडीला दर्रा कहाँ पर स्थित है ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है नेक्स्ट क्वेश्चन इन विच पास इज अटल टनल लोकेटेड अटल सुरंग किस दर्रे में स्थित है ये रोहतांग पास में लोकेटेड है देखिए बात करें इसके बारे में फ्रेंड्स तो देखिए ओल्ड नेम ऑफ अटल टनल जो है रोहतांग टनल है पहले से रोहतांग टनल कहा जाता था अब इसका न्यू नेम अटल टनल है ऑन ट्वेंटी फिफ्थ दिसंबर टू थाउजेंड नाइनटीन ऑन द ओकेजन ऑफ बर्थ एनिवर्सरी ऑफ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अटल बिहारी वाजपेयी दिस टनल वॉज रीनेम्ड एज अटल टनल तो यहाँ पे इसका नाम जो है हमारे फॉर्मर जो पी है हमारे इंडिया के अटल बिहारी वाजपेई इनके नाम पर रखा गया नेक्स्ट द अटल टनल वॉज इनागरेटेड बाई इंडिया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन अक्टूबर थ्री टू थाउजेंड ट्वेंटी तो इसका जो इनाग्रेशन है अटल टनल का ये हुआ है फ्रेंड्स अक्टूबर थ्री टू थाउजेंड ट्वेंटी को बाई प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी नेक्स्ट क्वेश्चन थ्रू बिच पास डिड आर्यन एंटर इंडिया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डबल स्टार कर लीजिए फ्रेंड्स आर्यो ने भारत में किस दर्रे को होकर प्रवेश किया था तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे खाइबर पास आपका अगला क्वेश्चन खाइबर पास कनेक्ट्स विच टू कंट्री तो यहाँ पे खाइबर पास ये किस कंट्री को कनेक्ट करती है फ्रेंड्स ये कनेक्ट करती है पाकिस्तान को अफगानिस्तान से तो आप देखिए अभी आपने देखा इंडिया को म्यांमार से कौन सा कनेक्ट कर रहा है इंडिया को टिबेट से कौन सा कनेक्ट कर रहा है अभी आपने देखा खाइबर पास ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान को जोड़ रहा है राइट तो ऐसे जो कनेक्शन है ये आपको याद रखने हैं एग्जाम में ये आ सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा विच इज़ द हाइएस्ट पास ऑफ इंडिया तो भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित दर्रा कौन सा है हाइएस्ट पास हमारे इंडिया का है फ्रेंड्स काराकोरम पास नेक्स्ट वेयर इज लेपचाला पास लोकेटेड तो लेपचाला दर्रा कहाँ पर स्थित है फ्रेंड्स ये लोकेटेड है हिमाचल प्रदेश में नेक्स्ट क्वेश्चन थ्रू विच पास डज ब्रह्मपुत्र रिवर एंटर इंडिया किस दर्रे के पास से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है ये आती है फ्रेंड्स इंडिया में यांग्याप पास से आपका अगला क्वेश्चन थ्रू विच पास डज द रूट फ्रॉम जम्मू टू कश्मीर पास तो किस दर्रे से होकर जम्मू से कश्मीर जाने का मार्ग निकलता है तो यह भी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बनिहाल पास अगला क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन पासिस इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ उत्तराखंड तो इनमें से कौन सा पर्वतीय दर्रा उत्तराखंड राज्य में है उत्तराखंड में है फ्रेंड्स मांगशा धुरा पास आपका अगला क्वेश्चन रहेगा देवसा पास इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया तो आपको बताना है कि देवसा दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है देवसा दर्रा है फ्रेंड्स ये लोकेटेड है हिमाचल प्रदेश में अगला क्वेश्चन नेम द पास इन उत्तराखंड विच इज़ यूज बाई पिली फॉर कैलाश मानसरोवर यात्रा तो उत्तराखंड में उस दर्रे का नाम बताइए जिसका उपयोग तीर्थ यात्री कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए करते हैं तो ये है फ्रेंड्स लिपुलेख पास अगला क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग पास कनेक्ट्स अरुणाचल प्रदेश विथ टिबेट तो अरुणाचल को टिबेट से जोड़ने वाला पास का नाम आपको बताना है तो अरुणाचल को टिबेट से जोड़ता है फ्रेंड्स बोमडीला पास आपका अगला क्वेश्चन वेयर इज फोटूला पास लोकेटेड तो फोटूला दर्रा स्थित है फ्रेंड्स लद्दाख में नेक्स्ट क्वेश्चन विच पास कनेक्ट्स शिमला टू टिबेट तो देखिए अरुणाचल प्रदेश को टिबेट से जोड़ने वाला शिमला को टिबेट से जोड़ने वाला ये डिफरेंट पासज हैं जो आपको याद रखने हैं ठीक है अब देखिए शिमला को टिबिट से जोड़ने वाला जो पास है फ्रेंड्स ये है शिपकीला पास नेक्स्ट रहेगा विच पास कनेक्ट्स श्रीनगर टू गिलगेट तो कौन सा दर्रा श्रीनगर को गिलगेट से जोड़ता है ये है फ्रेंड्स बुर्जिल पास आपका अगला क्वेश्चन वेयर इज लिपू लेक पास लोकेटेड तो लिपू लेक दर्रा कहाँ पर स्थित है ये है फ्रेंड्स उत्तराखंड में नेक्स्ट देखिए वेयर इज इमिस्ला पास लोकेटेड इमिस्ला दर्रा कहाँ पर स्थित है ये लद्दाख में लोकेटेड है फ्रेंड्स आपका नेक्स्ट क्वेश्चन थ्रू विच पास डज सतलज रिवर एंटर इंडिया तो सतलुज नदी भारत में किस दर्रे से प्रवेश करती है फ्रेंड्स ये एंटर करती है इंडिया में शिपकीला पास से अगला क्वेश्चन विच इज़ द हाइस्ट मोटरेबल पास इन द वर्ल्ड देखिए आपको बताना है फ्रेंड्स विश्व का सबसे ऊंचा मोटर वाहन योग्य दर्रा कौन सा है तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये है उमलिंगला पास नेक्स्ट वेयर इज द पास कनेक्टिंग कश्मीर विद द रेस्ट ऑफ इंडिया तो कश्मीर को शेष भारत से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है ये है फ्रेंड्स बनिहाल पास अगला क्वेश्चन द रोड फ्रॉम मंडी टू ले पासस थ्रू विच पास मंडी से ले जाने वाला मार्ग किस दर्रे से होकर गुजरता है ये होता है फ्रेंड्स बारालाचा पास से आपका अगला क्वेश्चन विच पास विल हैव टू बी पासड थ्रू वैन गोइंग फ्रॉम मनाली टू ले तो मनाली से ले जाने के समय किस दर्रे से होकर गुजरना होगा मनाली से ले जाने के लिए फ्रेंड्स यहाँ पे क्रॉस करना होगा रोहतांग पास ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर अगला क्वेश्चन विच पास कनेक्ट्स केरला एंड तमिलनाडु वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डबल स्टार कर लीजिए कौन सा दर्रा केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है तो केरला और तमिलनाडु को जोड़ता है फ्रेंड्स पालघाट पास नेक्स्ट क्वेश्चन विच पास कनेक्ट्स तिरुवनंतपुरम टू मदुरई तो पे तिरुवनंतपुरम को मदुरई से कौन सा पास जोड़ रहा है ये जोड़ता है फ्रेंड्स शेनकोटा पास अगला क्वेश्चन टू गो टू कैलाश मानसरोवर यात्रा विच पास हैज टू बी पास थ्रू तो ये भी हमने डिस्कस किया फ्रेंड्स कैलाश मानसरोवर यात्रा जाने के लिए किस दर्रे से होकर जाना होता है तो यहाँ पे लिपू लेक पास से होकर जाना होता है नेक्स्ट विच पास इज सिचुएटेड एट द ट्राई जंक्शन ऑफ उत्तराखंड चाइना एंड नेपाल तो इनमें से कौन सा दर्रा उत्तराखंड चीन और नेपाल के ट्राई जंक्शन पर स्थित है तो यहाँ पे इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स लिपू लेख पास नेक्स्ट क्वेश्चन विच पास इज सिचुएटेड बिटवीन नीलगिरी एंड अनामलाई हिल्स तो इनमें से कौन सा दर्रा नीलगिरी और अनामलाई पहाड़ी के मध्य में स्थित है यह है फ्रेंड्स पालघाट पास अगला क्वेश्चन इन विच पास इज जवाहर टनल लोकेटेड तो जवाहर सुरंग किस दर्रे में स्थित है जवाहर टनल लोकेटेड है फ्रेंड्स बनिहाल पास में अगला क्वेश्चन विच पास कनेक्ट्स इंडिया टू म्यन्मार तो इंडिया को म्यांमार से जोड़ने वाला दर्रा जो है ये है फ्रेंड्स तुजू पास आगे बढ़ेंगे थ्रू विच पास इज द रूट टू टिब वाया तवांग तो किस दर्रे से तवांग होकर तिब्बत जाने का मार्ग है करेक्ट आंसर है बोमडीला पास अगला क्वेश्चन देखिए जलेपला पास हैज है है बिन फॉर्म्ड बाई विच रिवर जलेपला दर्रे का निर्माण किस नदी के द्वारा हुआ है तो यहाँ पे जलेपला पास जो है फ्रेंड्स इसका फॉर्मेशन हुआ है बाई तीसता रिवर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट right आंसर हो जाएगा तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे सारे क्वेश्चन आप जो देख रहे हैं ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है स्टार्टिंग में वीडियो के हमने सारे स्टेट वाइज जो पासज हैं उनको डिस्कस किया था और यहाँ पे आप देखेंगे क्वेश्चन किस तरीके से एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं वो सब कुछ मैं आपको बता रही हूँ ओके okay? तो अगर आपको फ्रेंड्स वीडियो की क्वालिटी और हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा वैसे और भी इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं उनके ऊपर वीडियोज़ आपको हमारे चैनल में मिलते रहेंगे राइट चलिए आगे बढ़ेंगे और आपका अगला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट डबल स्टार कर लीजिए शिपकीला पास हैज़ बिन फॉर्म्ड बाई विच रिवर तो शिपकीला दर्रे का निर्माण किस नदी के से होता है तो फ्रेंड्स इसका जो निर्माण है ना ये होता है बाई सतलज रिवर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है नेक्स्ट क्वेश्चन जोजिला पास हैज़ बिन फॉर्म्ड बाई विच रिवर तो यहाँ पे जोजिला दर्रे का निर्माण किस नदी के द्वारा हुआ है इसका निर्माण हुआ है फ्रेंड्स इंडस रिवर से अगला क्वेश्चन इन विच पास डज चुम्बी रिवर फ्लो चुम्बी नदी किस दर्रे से बहती है ये बहती है फ्रेंड्स नाथुला पास से अगला क्वेश्चन इन विच माउंटेन्स माउंटेनियस पार्ट इज पिपली घाट पास लोकेटेड पिपली घाट दर्रा किस पर्वतीय भाग में स्थित है तो ये फ्रेंड्स अरावली में लोकेटेड है आपका अगला क्वेश्चन रहेगा विच पास कनेक्ट्स तमिलनाडु टू केरला तो तमिलनाडु को केरल से जोड़ने वाला पास कौन सा है फ्रेंड्स ये है शेनकोटा पास नेक्स्ट देखिए ऑन विच हिमालय आर शिया चैन एंड हिस्पार पास लोकेटेड तो सियाचिन और हिस्पर दर्रे किस हिमालय पर स्थित है फ्रेंड्स ये लोकेटेड है ग्रेट हिमालय पर अगला क्वेश्चन बिटवीन विच रेंजेस डज इंडस रिवर वैली एक्सटेंड तो किन श्रेणियों के मध्य सिंधु घाट गार, नदी घाटी विस्तृत है इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स जंस्कर एंड लद्दाख तो देखिए फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर डिस्कस करते हैं जो हिमालय है, मेजर पासिस ऑफ हिमालयाज़ जो किसे कनेक्ट कर रहे हैं ये आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा देखिए बनिहाल पास फ्रेंड्स ये कनेक्ट करेगा यहाँ पे कश्मीर वैली को विद द आउटर हिमालय एंड प्लेन्स टू द साउथ बारा लाचा ला पास कनेक्ट करता है फ्रेंड्स लाहौल जो कि हिमाचल प्रदेश में है फ्रॉम ले डिस्ट्रिक्ट फोटूला पास कनेक्ट करता है करगिल को लेह से रोहतांग पास कनेक्ट करता है कुल्लू वैली फ्रॉम लाहौल एंड स्पीटी वैली ऑफ हिमाचल प्रदेश शिपकीला पास कनेक्ट कर रहे हैं फ्रेंड्स हिमाचल प्रदेश को टिबेट से जिलेपला पास कनेक्ट करता है फ्रेंड्स सिक्किम को तिब्बत से नाथूला पास भी अगेन फ्रेंड्स सिक्किम को तिब्बत से कनेक्ट करता है नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे आप लिपू लेक पास तो फ्रेंड्स ये चौदन वैली ऑफ इंडिया को कनेक्ट करता है तिब्बत से खरदोंगला पास की बात करें फ्रेंड्स ये लद्दाख को शियाचिन ग्लेशियर से कनेक्ट करता है काराकोरम पास कनेक्ट करता है कश्मीर को चाइना से जोजिला पास कनेक्ट करता है फ्रेंड्स लेक को कश्मीर वैली से और शिपकीला पास कनेक्ट करता है तिब्बत को शिमला से तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपको सारे जितने भी कनेक्ट्स थे जो हमने अभी क्वेश्चंस में डिस्कस किए थे वो आपको देखने को मिलेंगे तो इनको आप ज़रूर नोट डाउन कर लीजिएगा ओके okay, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए थ्रू विच गॉर्ज हैज़ द सतलज रिवर सेपरेटेड द थ्री रेंजेस ऑफ हिमालय तो हिमालय की तीन श्रेणियों को सतलज नदी ने किस गॉर्ज द्वारा विच्छेदित किया है करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए शिपकीला गॉर्ज अगला क्वेश्चन कुल्लू वैली इज सिचुएटेड बिटवीन विच माउंटेन रेंजेस तो कुल्लू घाटी किन पर्वत श्रेणियों के बीच अवस्थित है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए धौलाधार एंड पीर पंजल नेक्स्ट क्वेश्चन विच पास कनेक्ट्स नासिक एंड मुंबई नासिक और मुंबई को कौन सा दर्रा जोड़ता है ये जोड़ता है फ्रेंड्स थालघाट पास आपका अगला क्वेश्चन विच पास कनेक्ट्स लद्दाख एंड तिब्बत लद्दाख और तिब्बत को कौन सा दर्रा जोड़ता है तो ये जोड़ता है फ्रेंड्स चांगला पास नेक्स्ट क्वेश्चन वेयर इज पीर पंजल पास लोकेटेड पीर पंजल दर्रा कहाँ पर स्थित है ये है फ्रेंड्स जम्मू कश्मीर में नेक्स्ट क्वेश्चन वेयर इज काराकोरम पास लोकेटेड राइट आंसर इज लद्दाख नेक्स्ट रहेगा क्वेश्चन वेयर इज़ बुमला पास लोकेटेड तो बुमला दर्रा ये स्थित है फ्रेंड्स अरुणाचल प्रदेश में ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा देखिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन वेयर इज भोरघाट पास लोकेटेड तो भोरघाट दर्रा कहाँ पर स्थित है ये लोकेटेड है फ्रेंड्स महाराष्ट्र में आगे बढ़ेंगे वेयर इज जोजिला पास लोकेटेड जोजिला दर्रा कहाँ पर स्थित है ये है फ्रेंड्स लद्दाख में पिक्चर आप देख सकते हैं ये है जोजिला पास अगला क्वेश्चन वेयर इज शिपकीला पास लोकेटेड तो शिपकीला दर्रा ये कहाँ पर है ये है फ्रेंड्स हिमाचल प्रदेश में तो ये सारे क्वेश्चंस हमने वीडियो के स्टार्टिंग में डिस्कस किए हुए हैं उसको आप पहले नोट डाउन कर लीजिएगा फ्रेंड्स वहाँ पे आपको सब जो है ना लिस्ट कंप्लीट लिस्ट आपको मिल जाएगी स्टेट वाइज राइट चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और आगे जाने से पहले मैं आपको बता दूँ हमारे पेड पी के वेबसाइट के बारे में यह है डब्ल्यू 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 डॉट रवि बुक्स पी डी एफ डॉट कॉम फ्रेंड्स यहाँ पर आपको रवि सर की जी के एंड करंट अफेयर्स की जो पी डी एफ़ हैं ना हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम दोनों में मिल जाएंगी तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स आपको ईयरली पी डी एफ जन टू दिसंबर टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री का कंप्लीट टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री का ईयरली पेड पी डी एफ आपको यहाँ पर मिल जाएगा जहाँ पे आपको सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे फ्रेंड्स आपके सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए यहाँ पे आपको फ्रेंड्स लास्ट एट मंथ का करंट अफेयर्स का पी भी मिल जाएगा जहाँ पे जैन टू अगस्त टू के आपको सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और साथ में फ्रेंड्स यहाँ पर रिसेंटली आपके लिए एलेवन प्लस जीके के जी का भी जो पी है ये लॉन्च किया गया है जहाँ पे आपको जनरल स्टडीज़ के सारे सब्जेक्ट्स को इंक्लूड करके ये पीडीएफ को बनाया गया है ओके तो आपके सारे फ्रेंड्स अपकमिंग जितने भी एग्जाम्स हैं ना उसके लिए ये वी, ये वीडियो जो बुक्स हैं ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाले हैं अगर आप इनमें से कोई भी ई e बुक को परचेज़ करना चाहते हैं फ्रेंड्स आप हमारे वेबसाइट के थ्रू जाके इन्हें परचेज़ कर सकते हैं ऑल राइट चलिए आगे बढ़ेंगे और आपका यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए वेयर इज़ बुरजिल पास लोकेटेड तो बुरजिल दर्रा जो है ये कहाँ पर स्थित है फ्रेंड्स ये है जम्मू एंड कश्मीर में नेक्स्ट क्वेश्चन वेयर इज़ पालघाट पास लोकेटेड तो पालघाट दर्रा कहाँ पर है ये है फ्रेंड्स केरला में नेक्स्ट क्वेश्चन वेयर इज खरदुगला पास लोकेटेड तो खरदुंगला दर्रा ये कहाँ पर है ये लद्दाख में लोकेटेड है नेक्स्ट क्वेश्चन वेयर इज़ लेखा पानी पास लोकेटेड लिखा पानी दर्रा ये कहाँ पर स्थित है ये है फ्रेंड्स अरुणाचल प्रदेश में आपका अगला क्वेश्चन है वेयर इज़ तुजू पास लोकेटेड तुजू दर्रा ये कहाँ पर है तुजू पास फ्रेंड्स ये लोकेटेड है मणिपुर में राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन वेयर इज़ देहांग पास लोकेटेड दिह दर्रा कहाँ पर स्थित है ये लोकेटेड है फ्रेंड्स अरुणाचल प्रदेश में आपका अगला क्वेश्चन वेयर इज माना पास लोकेटेड तो माना दर्रा ये कहाँ पर है ये है फ्रेंड्स उत्तराखंड में ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट देखिए वेयर इज़ अघिल पास लोकेटेड तो अघिल दर्रा ये स्थित है फ्रेंड्स लद्दाख में नेक्स्ट क्वेश्चन वेयर इज यांगया पास लोकेटेड तो यांगयाब दर्रा कहाँ पर है ये भी अरुणाचल प्रदेश में लोकेटेड है नेक्स्ट वेयर इज़ बारा लाचा पास लोकेटेड बारा लाचा पास फ्रेंड्स ये है हिमाचल प्रदेश में करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नेक्स्ट रहेगा क्वेश्चन वेयर इज दिफू पास लोकेटेड तो दिफू पास जो है फ्रेंड्स ये भी अरुणाचल प्रदेश में है तो आपने देखा अभी दिफू पास इसके अलावा यांगयाब पास ये सब कुछ जो है ये अरुणाचल प्रदेश में लोकेटेड है नेक्स्ट वेयर इज़ जिलेपला पास लोकेटेड तो जिलेपला दर्रा ये कहाँ पर है ये है सिक्किम में अगला क्वेश्चन वेयर इज चांगला पास लोकेटेड तो चांगला दर्रा ये कहाँ पर है राइट आंसर हो जाएगा लद्दाख आगे बढ़ेंगे वाट इज़ किंगरी विंगरी एंड नीति माना किंगरी विंगरी और नीति माना ये है क्या अगर आपसे पूछा जाए फ्रेंड्स ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं तो ये सारे पासिस के नेम्स हैं राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अगला क्वेश्चन वेयर इज़ खैबर पास लोकेटेड तो खैबर दर्रा ये कहाँ पर है ये लोकेटेड है फ्रेंड्स पाकिस्तान में अगला क्वेश्चन वेयर इज़ डोंकिया पास लोकेटेड तो डोकिया दर्रा ये है फ्रेंड्स सिक्किम में अगला क्वेश्चन वेयर आर बुरहानपुर एंड असीरगढ़ पास लोकेटेड तो बुरहानपुर और असीरगढ़ दर्रे ये दोनों लोकेटेड है मध्य प्रदेश में फ्रेंड्स करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका अगला क्वेश्चन शिंगोला इज़ द नेम ऑफ विच पास शिंगोला ये किस दर्रे का नाम है ये फ्रेंड्स जंसकर पास का ही अदर नेम है तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका अगला क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ माउंटेन पास लोकेटेड बिटवीन इंडिया एंड चाइना निम्नलिखित में से कौन भारत और चीन के बीच स्थित एक पहाड़ी दर्रा है तो उसका राइट आंसर हो जाएगा काराकोरम कॉरिडोर नेक्स्ट देखिएगा पेंगसाव पास इन द हिमालय जॉइन तो हिमालय में जो पंगसंग दर्रा है ये किसको जोड़ता है फ्रेंड्स ये यहाँ पे जोड़ता है अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा अगला क्वेश्चन विच ऑफ़ द फॉलोइंग पासिस इज लोकेटेड इन द काराकोरम माउंटेन निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा काराकोरम पर्वत में स्थित है राइट आंसर काराताग पास फ्रेंड्स आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज़ नियरेस्ट टू खाइबर दरेन तो यहाँ पे देखिए खाइबर जो पास है फ्रेंड्स इसके नियरेस्ट सिटी आपको बतानी है तो यहाँ पे नियरेस्ट सिटी है पेशावर अगला क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स उस पलता पास इज़ सिचुएटेड इन बिटवीन तो ये लोकेटेड है बिटवीन चील एंड अर्जेंटीना आगे बढ़ते हैं डैश पास कनेक्ट उत्तराखंड एंड तिब्बत एंड इज लोकेटेड ऑन द नॉर्थ ऑफ गंगोत्री तो इनमें से कौन सा ऐसा दर्रा है जो उत्तराखंड को फ्रेंड्स तिब्बत से जोड़ता है और ये गंगोत्री के उत्तर में स्थित हैं राइट आंसर मुलिंगला पास नेक्स्ट विच पास कनेक्ट्स एक्सट्रीम साउथ ईस्टर्न एंड ऑफ स्पीति वैली विथ शैलखर एंड चांको ऑफ हैंकरिंग वैली इन किन्नौर राइट आंसर हो जाएगा लेपचाला पास अगला क्वेश्चन फोटूला द मैसिव माउंटेन पास एट एन एल्टीट्यूड ऑफ़ फोर थाउजेंड वन हंड्रेड एट मीटर अब सी लेवल इज़ द हाइएस्ट पॉइंट ऑफ विच इंडियन स्टेट और यूनियन टेरेटरी देखिए फ्रेंड्स आपको बताना है डायरेक्टली पे आपकी जो फोटूला पास है ये हाइएस्ट पॉइंट है किस इंडियन स्टेट का तो राइट right आंसर हो जाएगा लद्दाख आपका अगला क्वेश्चन रहेगा फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग पास कनेक्ट लहासा टू तवांग तो यहाँ पे लहासा को तवांग से कौन सा दर्रा जोड़ रहा है तो राइट right आंसर है फ्रेंड्स यहाँ पे बोमला पास आपका अगला क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग पास इज लोकेटेड ऑन द ट्राई जंक्शन बॉर्डर ऑफ इंडिया चाइना एंड म्यांमार राइट आंसर दिफू पास नेक्स्ट एज ऑफ मार्च टू थाउजेंड ट्वेंटी टू विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाइस्ट मोटरेबल पास इन इंडिया राइट आंसर फ्रेंड्स उमलिंगला पास आगे बढ़ते हैं विच ऑफ़ द फॉलोइंग पास इज सिचुएटेड ऑन द समिट ऑफ वेस्टर्न घाट एंड कनेक्ट्स मुंबई टू पुणे तो निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट के शिखर पर स्थित है और मुंबई को पुणे से जोड़ता है तो यहाँ पे राइट right आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी भोर घाट पास नेक्स्ट विच पास वॉज नेम्ड आफ्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू तो इनमें से कौन सा ऐसा दर्रा है जिसका नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम पे रखा गया है राइट right आंसर है फ्रेंड्स बनिहाल पास अगला क्वेश्चन दिस पास इन द जंस्कर माउंटेन रेंज ऑफ जम्मू कश्मीर द रोड फ्रॉम श्रीनगर टू ले पासिस थ्रू दिस पास इट इज़ क्रिएटेड बाई इंडस रिवर आइडेंटिफाई द पास तो यहाँ पे आपको फ्रेंड्स ऐसे कुछ पॉइंट्स दिए होंगे और आपको आंसर बताना होगा देखिए तीन पॉइंट्स आप पे दिए हुए हैं ये जो पास है ये जंसकर माउंटेन रेंज में पाया जाता है जम्मू कश्मीर के तो यहाँ पे आपको ये बता रहा है कि जम्मू कश्मीर में लोकेटेड है ये किसे कनेक्ट कर रहा है तो देखिए ये पास जो है श्रीनगर से लेह को कनेक्ट कर रहा है और ये इंडस रिवर से फॉर्म हुआ है तो ये तीन आपको पॉइंट्स दिए हैं और आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है ये कौन से पास की बात हो रही है तो यहाँ पे राइट right आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स जोजिला पास तो इस टाइप के क्वेश्चंस फ्रेंड्स एग्जाम में आते हैं तो डिफरेंट पॉसिबल क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ राइट नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर ऑरिजिनेट इन द पीरपंजल माउंटेन रेंज ऑफ रोहतांग पास करेक्ट आंसर ब्यास आपका अगला क्वेश्चन हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड तो इट्स फर्स्ट इलेक्ट्रिक बस सर्विस बिटवीन तार् पिच टू प्लेसेस तो इसे स्टार्ट किया गया फ्रेंड्स कुल्लू मनाली एंड रोहतांग पास के बीच में नेक्स्ट नाथुला पास कनेक्ट इंडिया विथ विच नेबरिंग कंट्री नाथुला पास कनेक्ट करता है इंडिया को चाइना से अगला रहेगा थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग डिड अलेगजेंडर एंटर इंडिया तो अलेक्जेंडर इंडिया में कैसे एंटर हुए थे ये खाइबर पास से एंटर हुए थे आपका अगला क्वेश्चन वेयर इज़ कुमजोंग पास लोकेटेड तो इनमें से आपको बताना है कुमजोंग पास कहाँ पर है फ्रेंड्स ये है अरुणाचल प्रदेश में नेक्स्ट बारा लाचा पास कनेक्ट ले टू तो बारा लाचा पास किसे कनेक्ट करता है ये ले को मनाली से कनेक्ट कर रहा है फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे वेयर इज मांगशा धुरा पास लोकेटेड तो मांगशा धुरा दर्रा ये कहाँ पर स्थित है राइट आंसर है यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी उत्तराखंड अगला क्वेश्चन वन ऑफ द ओपन ट्रेडिंग बॉर्डर पोस्ट बिटवीन इंडिया एंड चाइना इज तो भारत और चीन के बीच खुली व्यापारिक सीमा चौकियों में से एक इनमें से कौन सा है फ्रेंड्स ये यहाँ पे है नाथुला पास यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए विच पास कनेक्ट लेह टू पेंगोंग लेक लेह को पेंगोंग झील से कौन सा दर्रा जोड़ता है ये जोड़ता है फ्रेंड्स उमलिंगला पास वेरी इंपॉर्टेंट इसको भी डबल स्टार कर लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स और आपका ये लास्ट क्वेश्चन है विच इज सदर्न मोस्ट पार्ट्स ऑफ इंडिया तो भारत का सबसे दक्षिणी दर्रा कौन सा है ये है फ्रेंड्स शेनकोटा पास और ये किसको किसको कनेक्ट करता है फ्रेंड्स ये तिरुनंतपुरम जो केरला में है इसको मधुरई तमिलनाडु से जोड़ता है ठीक है केरला एंड तमिलनाडु तो इन दोनों को कनेक्ट करता है शेनकोटा पास राइट फ्रेंड्स ये हो गए आपके सारे यानी कि टॉप 102 क्वेश्चंस हमने यहाँ पे डिस्कस किए आपको बताना है कि 102 में से आपके कितने आंसर जो है यहाँ पे राइट हुए हैं ओके चलिए इसके साथ फ्रेंड्स आपका टेस्ट क्वेश्चन भी है देखिए आपका पहला टेस्ट क्वेश्चन विच पास कनेक्ट नासिक एंड मुंबई तो नासिक और मुंबई को कौन सा दर्रा जोड़ रहा है कमेंट करके आंसर बताएं अगला टेस्ट क्वेश्चन देखिए बारा लाचा पास कनेक्ट लेह टू तो बारा लाचा पास ये ले को किससे कनेक्ट करता है ये भी आप हमें कमेंट करके बताएं ये दोनों फ्रेंड्स हो गए आपके टेस्ट क्वेश्चन आंसर आपको हमें कमेंट करके बताना है पेड पी के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बताया है देखिए फ्रेंड्स हमारी पेड पी की वेबसाइट है डब्लू डब्ल्यू फ्रेंड्स यहाँ पर आपको रवि सर की जी एंड करंट अफेयर्स की जो पी है हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम दोनों में मिल जाएंगी तो अगर आपको यहाँ पे जो गिवन आप देख रहे हैं यहाँ पे अगर कोई भी ई e बुक आपको परचेज़ करना है आप हमारे वेबसाइट के थ्रू परचेज़ कर सकते हैं आपको यहाँ पे ईयरली पी डी एफ़ कंपाइलेशन जो होता है लास्ट एट मंथ का करंट अफेयर्स का पी डी एफ़ साथ में देखिए इलेवन थाउजेंड प्लस जी के जी एस का पी डी एफ भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा तो फ्रेंड्स इन सभी जो पी डी एफ़्स हैं इनको ये आप जाके परचेस कर सकते हैं हमारे वेबसाइट से ठीक है चलिए तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का लास्ट स्लाइड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करिएगा और ये वीडियो आपको कैसी लगी फ्रेंड्स कमेंट करके ज़रूर बताएं मिलते हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ फ्रेंड्स अगले वीडियो में तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे